ने हमें चेन of the Mahatma, and after that we all know him because of his role Vyomkesh Bakshi. Only 33 episodes of 33 stories, and the scenario of detectivity changed entirely. We have found many detectives after that Vyomkesh Bakshi. Youth of that generation and this generation also feels like being a super detective after that. This series in association with Chitnavis Center, and we'll wait for 5 minutes and then we'll start the session. In the 14th session of knowledge series, here in this Chitnavis Center, we organize this session. Today we have Mr. Rajit Kapur with us. On behalf of SGR Knowledge Foundation and Raisoni Group, I request Dr. Vivek Kapur to please welcome Mr. Rajit Kapur with a memento. Without the support, and it should not be like a discussion panel after the session. It's a small request, please. Thank you, and I hand over the session to Mr. Rajit Kapur. We'd rather talk to you informally and share my thoughts with you. I think that would be far more endearing for me. कल रात को बैठ के मैं सोच रहा था, सारे बैठ के इतने सारे नोट्स बनाए, ये भी मुझे कहना चाहिए, ये भी कहना, नहीं ये दिस इज नॉट इंटरेस्टिंग, ये बोलेगा क्या बकवास कर रहा है, ये नहीं बात करनी है, और अब वो आधे सब ख्याल कहीं उड़ गए हैं. लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मेरे जहन में है. 1963 में एब्राहम लिंकन सेंटर के आगे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने कहा, आई हैव अ ड्रीम, एंड दैट लेड टू द बिगेस्ट प्रोटेस्ट इन अमेरिका एट दैट टाइम. 1963 में बीटल मेनिया टुक ओवर द वर्ल्ड विद वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉन्ग्स, आई वांट टू होल्ड योर हैंड. 1963 में द फर्स्ट बॉन्ड फिल्म वॉज रिलीज, डॉक्टर नो. And since then, James Bond has been entertaining us. 1963 May, the country Malaysia was born. August 1963 May, the smiley, those of you who are very familiar with emojis and WhatsApp, was first invented by Harvey Bell. और उसी 1963 अगस्त में कहीं मैंने पहली बार अपनी आंखें इस दुनिया में खोली. इन अमृतसर इन पंजाब, तो पंजाबी खून जो है ना मेरी रग रग में है, इसलिए मैं कभी कभी अपने दिल से सोचता हूं, दिमाग से नहीं. आई वॉज ओनली टू व्हेन my parents, mummy and papa moved to Bombay, जिसे कई लोग अंधेर नगरी कहते हैं. लेकिन उस शहर की एक अपनी खासियत है. It's one of the only two cities in the world other than New York that doesn't sleep. हम रात को 2 बजे भी ट्रैफिक जाम में फंसे पड़े होते हैं कभी कभी. But उस शहर की अपनी एक जागृति है. तो अगर उस पंजाब के खून ने मुझे
मेरे दिल से सोचने की शक्ति दी है, उसी मुंबई ने मुझे अपनी रिसिलियंस, अपनी दृढ़ता, अपना दृष्टिकोण दिया है। तो वो अजीब मिश्रण हूं मैं। I studied in an Anglo-Scottish school, इसलिए शायद मेरी अंग्रेजी साफ है। और बचपन में मैं हिंदी गाने खूब सुनता था, इसलिए मेरी हिंदी भी साफ है। रात को तकिए के नीचे वो अपने ट्रांजिस्टर होते थे, लाइट्स ऑफ होने के बाद बिना का गीतमाला, इंस्पेक्टर ईगल, ये तभी रात को 10 बजे प्रोग्राम्स होते थे, तो वो मेरे सराहने के साथ ही रहते थे। तो मेरी हिंदी टीचर को ताज्जुब होता था कि ये बॉम्बे में रहते हुए तुम्हारी हिंदी इतनी साफ कैसे है। मैंने कहा हिंदी सॉन्ग्स, सो फुल क्रेडिट टू देम। अब बचपन में क्या होता है, किसी बच्चे को शाबाशी देते हैं तो उस बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है। व्हेन यू अप्रिशिएट एंड अप्लॉड अ चाइल्ड ऑफ 6 or 7, ही गेट्स एनकरेज्ड। बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू थिंक दैट व्हाई ये एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से आया मुझ में। एंड व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट एंड यू सी माय नीस, माय नेफ्यू एंड माय फ्रेंड्स, एनीथिंग यू एनकरेज अ चाइल्ड विद, he wants to do it more because he is being appreciated or she. And somewhere from the age of 6, I think, मतलब वो खिलौना होता है ना, बस वो चाबी घुमा दो तो नाचने लगता है। तो मेरे कुछ ऐसा ही था, इसको बस चाबी मार दो तो ये नाचेगा, गाएगा, कुछ भी करेगा, प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाएगा। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, because as far back as I can remember, I have a photograph of myself at the age of 6 playing the King of Hearts. So that takes me back to a standard one kind of thing. And somewhere वो कीड़ा जो है स्कूल में और इस बम्बई शहर में नर्चर होने लगा। Right in school, जो असेंबली प्लेज वगैरह होते थे, I started writing also in school, छोटे छोटे चुटकुले और असेंबली प्रोग्राम्स के लिए हम लिखते थे अंग्रेजी में, हिंदी में। And when television first happened, दूरदर्शन इन बॉम्बे, देन व्हेन आई वाज इन द 5th एंड 6th स्टैंडर्ड, तो तब ही टेलीविजन पर आने का मौका मिला। देयर यूज्ड टू बी अ प्रोग्राम कॉल्ड खेल खिलौने जब हम छोटे थे। मोस्ट ऑफ यू वोंट नो दैट एट ऑल, बट आई रिमेंबर डूइंग टू सच एपिसोड्स इन खेल खिलौने, वन एज मिस्टर होमवर्क, तो फिर उसके बाद पूरे एक साल तक मुझे मिस्टर होमवर्क बुलाते थे। फिर एक था डॉक्टर मोहम्मद पांडुरंग फर्नांडिस, जो 3 बेवकूफ डॉक्टरों की कहानी थी। तो टेलीविजन की शुरुआत भी 10-11 साल की उम्र में हो चुकी थी। बट अगर मैं कहूं कि स्कूल में वो टर्निंग पॉइंट क्या था, तो आई हैव टू गिव फुल क्रेडिट टू मिस्टर शशि कपूर, हु इज नो मोर। 9th स्टैंडर्ड में हमारे एनुअल स्कूल प्ले में आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू टू अ प्ले कॉल मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम, और उस एनुअल फंक्शन में शशि कपूर जी अपनी फैमिली के साथ मौजूद थे। सो दे आस्क्ड हिम टू कम ऑन स्टेज एंड गिव द ट्रॉफी फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस, और उस ट्रॉफी को मेरे हाथ में थमाते हुए उन्होंने मुझे मेरे कान में कुछ फुसफुसाया, और शायद वो जो छोटे से बड़े आम शब्द थे वो हमेशा मेरे साथ रहे। ऑल ही सेड वाज I would really like to see you come up like this. मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरह आगे बढ़ो। कई बार मैंने उसका जिक्र उनके साथ किया जब उनसे मिला, बट ही हैड एब्सोल्युटली नो क्लू, ही डिडन्ट इवन रिमेंबर कमिंग देयर। बट फॉर मी, फॉर दैट चाइल्ड इन द 9th स्टैंडर्ड, इट मेंट द वर्ल्ड। एंड आई थिंक दैट्स द फर्स्ट टाइम आई थॉट दैट एक्टिंग भी की जा सकती है। आई थिंक द सीड्स was sown for the first time in the 9th standard in my mind that I could maybe take this on as a profession. Of course, when I began to share those thoughts, to ghar pe to tehlka mach gaya tha. By the time I was in the 10th and 11th, my father was horrified. He said, "Shakal dekhiye tumne shisha mein, hanger lagte ho, actor banoge?" And later on, mom would try and tell people,
पता नहीं क्या फतूर है इसके दिमाग में, जरा कुछ कहो इसे छोड़ दे, सब पता नहीं क्या करता रहता है. But I think those decisions became more and more firm in college, although I did commerce at Sydenham College and graduated. In commerce, business family thi. Business trade was what was meant to be and maybe still there in my genes, but I think main apne hatpan se dur nahi hata. To jab hum rehearsals karte the, rehearsals 7 baje ke baad hoti thi. मेरी माँ परेशान होती थी, रात को तो उल्लू जाते हैं जागते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही रात को कौन सी रिहर्सल होती है, दिन में क्यों नहीं होती. बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन दैट दोज हू वर इवन डूइंग प्रोफेशनल थिएटर एट दैट टाइम व्हेन आई वाज यंग वर ऑल वर्किंग पीपल, सो दे वुड फिनिश ऑफिस एट 6:30 एंड देन रिहर्सल वुड स्टार्ट एट 7 अप टू 10, 11 समटाइम्स इवन मिडनाइट. तो घर आते थे तो खाना टका हुआ होता था, सुबह सुबह मम्मी मुझसे बात ही नहीं करती थी, पता नहीं कितने बजे आते हैं, आवारा बन गए तो बड़ा मुश्किल था समझाना. आज माहौल अलग है, आज लोगों की मम्मियाँ मेरे पास आती है, सी माय सन इज सो गुड लुकिंग प्लीज मेक हिम एन एक्टर, ऐसा नहीं होता. बट इन कॉलेज इन दोज 3 years आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स, वेदर इट वॉज द प्लानिंग फॉरम, the dramatic society, the music society. College के समय के बाद जो वक्त था वो हमेशा इन्हीं extra curricular activities के साथ ही गुजरता. अब pocket money की ज़रूरत थी, so I started helping my father little bit in the business, writing petty cash vouchers in his office कि महीने में 1000-2000 आ जाएं तो फिल्में देख सकते हैं, आना जाना, आइसक्रीम खा सकते हैं. तो वो सिलसिला शुरू हो गया था कॉलेज में. बट जो रंगमंच की दुनिया का जो नज़ारा था वो मुझे बांधे हुए था. एंड इवन आफ्टर कॉलेज आई स्टार्टेड वर्किंग विद पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन द थिएटर. तो उसकी जो रूह थी जो मुझ में बस गई थी उसे निकालना बहुत मुश्किल था और वो आज भी मेरे रग रग में है. आई थिंक आई वुड से दैट आफ्टर कॉलेज आई डिड जॉइन माई फादर इन द बिजनेस एंड देयरफॉर फॉर 20 years मैंने बिजनेस भी संभाला. सिर्फ तब ऐसी बात थी कि मेरे लिए एक साल में एक नाटक, एक फिल्म और बिजनेस संभालना एंड आई वॉज हैप्पी. अनदर टर्निंग पॉइंट for me would have been the first time I faced the film camera for Mr. Govind Nihlani in a Doordarshan docudrama called Jazeere, I think in 89-90. After college in 85-86 I did a lot of plays and television had also started coming with a lot of good programs. So I did I think Ghar Jamai at that time in 86-87. And then another turning point 1991 was Bhumkesh Bakshi. But I would still say 92 for me was a game changer. Because 1992 में हमने अपनी थिएटर कंपनी रेज प्रोडक्शंस को जन्म दिया. 1992 में मिस्टर श्याम बेनेगल ने मुझे अप्रोच किया मेरी पहली फीचर फिल्म के लिए सूरज का सातवां घोड़ा. हम स्टेज पर अपना एक नाटक लव लेटर्स परफॉर्म कर रहे थे, बैक स्टेज आए शो के बाद और बस मुझसे हाथ मिला और कहा मैं आई विल कॉन्टैक्ट यू टुमारो. हाँ आम चीज है तो ऐसे ही बोलते हैं सब लोग. बट ही डिड कॉल मी द नेक्स्ट डे ही सेड कम एंड मीट मी और उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दिया, कहा ये पढ़ो और मुझे बता दो अगर आपको ये करना है या नहीं. तो घर जाके मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने कहा तो लीड रोल है, तो मुझे कहते हैं अगर तुम पेड़ बन के खड़े रहो तो आई वुड एग्री, तुम लीड रोल है. तो आई वेंट आई सेड सर इट्स द लीड रोल, ही सेड यस विल यू डू इट, ही सेड आई जस्ट वांट टू सी योर कॉम्बिनेशन विद द थ्री वुमेन फॉर द फर्स्ट फिल्म आई हैड थ्री लीडिंग लेडीज विद मी एंड टिल टुडे आई थिंक ऑल थ्री ऑफ देम
are probably the finest actresses we have in the country. Pallavi Joshi, Rajeshwari Sachdev, who started her career with Marathi films, and Neena Gupta. And I think I'm so lucky, I'm so fortunate that I had the chance to work with all three of them in my very first film. Jahan tak Mr. Benegal ka sawal hai, ab to I have done all his films since 1992. Ab agar wo film mere bina karenge to shayad mujhe bura lagega. The only time I almost didn't do his film was Welcome to Sajjanpur. Because he called me, he says, Rajit, isme kuch rule hi nahi hai tumhare liye, wo clerk tha, koi ek scene hai kuch office mein. I said, sir, I'm flying down, I'm coming. I flew the next day to Hyderabad. I said, you can't make now a film without me. Kahin bhi khada rohunga main peeche. So I did that one scene. He has been instrumental in many ways in shaping my mind as far as films are concerned. And what I always keep with me, which I have learned from such a legend, is humility. Aaj tak pichle 60 saal mein us aadmi ne ek baar nahi kaha ki maine behtareen film banayi hai ya maine kamaal kiya hai, kabhi nahi. Halanki wo khud hi is kamaal ki ek misaal hai. For me, that's a great learning. As far as theater is concerned, since our company was formed in 1992, there were 8 of us as partners, now we are 3. But we have tried to keep the flag flying. Ki theater nahi chhodna. Aap puchhenge kyun? Because isi theater ne mujhe discipline sikhaya hai. Isi theater ne mujhe team work sikhaya hai, jo main आज तक अपनी जाती जिंदगी में इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ. वी टॉक अबाउट टीम वर्क और लेट्स से इफ यू आर प्लेइंग हॉकी और क्रिकेट और एनी ग्रुप एक्टिविटी देन इट्स नॉट द इंडिविजुअल इट्स द टीम दैट मैटर्स एंड दैट इज व्हाट ऑटोमेटिकली द थिएटर टीचेस यू बिकॉज यू आर वर्किंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल यू कांट वर्क इन आइसोलेशन एंड इवन इफ इट्स अ स्मॉल थिंग ऑफ बेसिक डिसिप्लिन. Even in terms of respecting someone else's time, then I am happy and proud to say that my theatre has taught me that. Isse to chhodna hi nahi. Yes, as an individual, I will share with you in some time on a personal level what it means to me. Another big question that used to bother me at first was that I'm not a trained actor. तो बीच में कहीं मैंने नसीर साहब who's my senior मैंने उनसे कहा नसीर भाई अभी I feel I don't have any formal training so maybe I should go and attend some school for at least 2 years or something. He said नहीं नहीं बस बहुत हो गया अभी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने गिर गिर के mistakes कर करके जो तुमने practically तौर पे सीखा है वो तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता अब रहने दो. And I didn't follow his advice. Although I do feel that early on in my career, had I gone for any formal training, then I would have maybe learned what I did in 10 years, in 2 years. I don't know. Ye sawal jawab hamesha mere man mein uthte rehte hain. And sometimes I find it difficult because I don't do many workshops when I have to share this with a lot of other people. I find it difficult to explain because sometimes it's very important to capture the core. Hum jo mudde ki baat karte hain, I'll come to that in the whole acting scenario. So us time par jab main college se nikla tha to mere liye wo balance banana bahut zaruri tha us mere office के लिए मेरे थिएटर के लिए मेरे फिल्म के लिए. अब 12 साल से बिजनेस तो मैंने बंद कर दिया पापा को कहकर कि ये तो चल नहीं रहा है ना कुछ प्रॉफिट है दिमाग खराब हो रहा है मेरा. सो नाउ इट्स शो बिजनेस फुल टाइम. एक्टिंग के बारे में कई लोग पूछते हैं क्या है. I'm
would say on a very basic level, as an actor, every actor is a communicator. You have to communicate on a very, very basic level. Char chand baad mein lagte hain, but are you able to put across what you want to say or what you want to make the other person feel? And in that sense, for me, the best examples of a communicator are teachers. अगर आपका अध्यापक अध्यापिका अगर वो अपने सब्जेक्ट के बारे में आपसे उस तरह से चीज शेयर ना कर सके ताकि वो आपके पास आप तक पूरी हद तक पहुंचे, then he's not a good teacher, she's not a good teacher. To an actor, in terms of his communication skills in various ways, is also in that category. अब वो कम्युनिकेट कैसे करता है, किन चीजों की मदद लेके करता है, वो हर एक पर निर्भर है. There are different schools of thought, there are different perspectives to look at it, but essentially मेरे हिसाब से वो एक्टर कम्युनिकेटर है. एक्टर की एक खूबी है कि इन आर प्रोफेशन आई थिंक वी आर प्रिविलेज दैट even at the age of 70 and 80 we are allowed to be childlike and like a child. Just as a child is playing, we as actors play. And in searching for that truth, in searching for that honesty in our performance, we are playing. And today I'm so happy that I've not lost that. I would be very upset if that happened. Meri maa to abhi kehti, kya tumhe ho gaya hai? 50 saal ke ho gaye ho, behave karte ho jaise 15 ke ho. Aisa nahi mama, main 15 ka nahi, main to 5 ka hu. Kya baat kar rahe ho? To ye behas hamesha hoti rehti hai. But I'm happy I can be 5. I'm very glad about that. Actor ko is communication dwara, in order to want to communicate, and in that process of communicating, there is a thrill that is attached to it. So what is it that makes that actor seek out this process of communication? Wo kya hai? Mere liye agar aap puchhe to personally, jab wo pehli script aati hai uska, jo pehle panne ki jo khushboo hai, wo mere liye bahut zaruri hai. To open that first, you know, sometimes when you read a new book, that first page you open, that smell of that new paper, these are the little things that actually make it. Or that first scene that you read, the first scene that you perform, whether on stage or on film, the first time you meet new people in a unit, the opening night, the first time you step on that stage with a new character, the first time you witness an entire performance, the first time you learn that speech by heart, these little moments jo ek chingariyon ki tarah hai ye jisse wo aag ki garmahat nikalti hai mere liye. On a higher level, agar main apne aap mein jhaank kar dekhu to I think for an actor, khas karke for a stage actor, acting per se for me is like a very high form of meditation. और ये किसी workshop में मैंने इसको break down करके उन विद्यार्थियों को समझाया था कि actor को line learn करनी है, एक्टर को दूसरे एक्टर की लाइनें भी पता होनी चाहिए, एक्टर को कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, एक्टर को अपना मार्क है, लाइट कहाँ से लेनी पता होना चाहिए, साउंड कौन सा आने वाला है उसे पता होना चाहिए, ही हैज टू बी अवेयर ऑफ द ऑडियंस, ही हैज टू बी अवेयर ऑफ कहाँ उस सीन में चेंज आने वाला है, ही हैज टू बी अवेयर ऑफ हिज कॉस्ट्यूम, ही हैज टू बी अवेयर ऑफ
वो पर्सनल प्रॉप जो उसका है वो कहाँ पे इस्तेमाल हो। मैंने आपको सिर्फ 10 कही, अगर मैं लिस्ट वो ढूंढूं तो मस्ट बी एटलीस्ट 30-35। तो आप सोचिए वो एक्टर इतने लेवल्स पर सोचने पर मजबूर है। सो देन यू नीड व्हाट सॉर्ट ऑफ लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड अलर्टनेस। ओनली इफ यू आर एबल टू अचीव दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑन ऑल दोज लेवल ऑन ऑल दोज थिंग्स कैन यू, जिसे हम आप परफेक्शन कहिए, मैं बारीकी कहता हूं, उस परफॉर्मेंस की बारीकी तक आप पहुंच पाए। तो मेरे लिए अ परफॉर्मेंस, और ये बारीकियां स्टेज पर बढ़ जाती हैं, बिकॉज इट्स नॉट लुकिंग बैक, कोई टेक नहीं है जो आप कह सकते हो मैं ये वर्ड भूल गया फिर से करते हैं, नहीं, वो दोबारा नहीं आता, वो पल जो है, वो मोमेंट जो है वो दोबारा नहीं आता। आप उसे ढूंढते हैं, उसे निखारते हैं, लेकिन उसके लिए वो अलर्टनेस, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑन ऑल दीज सो मेनी लेवल्स जरूरी है। देयरफॉर फॉर मी इट्स अ मेडिटेटिव हाई, मेरे लिए वो पूजा है, मेरे लिए फिर वो रंगमंच जो स्टेज का प्लेटफॉर्म एक मंदिर की तरह बन जाता है। अगर आप ध्यान में हो या ध्यान मग्न हो और आपको कोई पूजा में या जब आप योगा करें वो डिस्टर्ब करें तो खलल से मच जाती है। एंड दैट इज वाई ये जो फोन्स बीच में बजते हैं परफॉर्मेंस के, मेरा दिल करता है एक जूता निकाल के मुंह पे मारूं अगर किसी का फोन बजे या फोन। डोंट गो टू वॉच परफॉर्मेंसेज और लिसन टू म्यूजिक एंड ऑल, दिस इज वन बिग प्रॉब्लम ऑफ द सोशल मीडिया एंड द फोन्स टुडे। वो फोन किसी चीज के लिए है, उसकी जरूरत को वहीं तक सीमित रखे, बट अगर वो आपके कम्युनिकेशन में बाधा बन के पैदा हो जाए तो फिर वो किस काम का। Then you are not able to absorb the good energy of what you are being exposed to. Today families are sitting having dinner at home. और पांचों लड़के में क्या है आज, क्या है तुम, क्या दिन कैसा गया, ठीक है, अच्छा, very good, okay, bye, चलो good night. I see it. मैं अपने घरों की बात कर रहा हूँ, अपनी बहन के घर में भी सारे लगे हुए हैं, तो ऐसे मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ, सब फोन पे लगे हुए हैं, ओके बाय बाय, सी यू, आई लेफ्ट। बट वी फॉरगेट टू थिंक दैट, सॉरी मैं थोड़ा किसी और दिशा में निकल गया था। हाँ, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द होल मेडिटेटिव हाई ऑफ अ परफॉर्मेंस, एंड दैट इज व्हाट आई रिफर टू एज मैजिक। हम कहते हैं किसी परफॉर्मेंस में या आपको कुछ लगा तो यार कुछ था वो परफॉर्मेंस में, वो मैजिक जो आपको मैजिक महसूस हुआ वो उसी, मेरे हिसाब से वो उसी कॉन्सेंट्रेशन, अक्यूट मेडिटेटिव कम्युनिकेटिव क्वालिटी का नतीजा है और कुछ नहीं। इट इज वेरी सिंपल, इवन मैथमेटिक्स, इनपुट इक्वल्स आउटपुट। इसमें कोई, हम कहते हो ये चीज निखर के नहीं आई, नहीं, जितनी दिल लगी से, जितना समय या जितने स्किल से आपने उस चीज को पिरोया है उसका नतीजा वही होगा। तो उसमें जो दिल और दिमाग का जो मिश्रण है, इट हैज टू बी सो हाई फॉर इट टू अचीव दैट काइंड ऑफ मैजिक। ये मेरा मानना है। यू मे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट और एनी अदर परफॉर्मर और एक्टर परहैप्स, नो इश्यूज, ये मेरा मानना है। फिर बात आती है, क्योंकि ये सवाल कई लोगों ने किया है, फेम, सक्सेस, मनी, लॉट ऑफ पीपल हैव क्वेश्चंस, बड़ी उत्सुकता होती है। आई डोंट नो, ऑनेस्टली आई डोंट नो, बट व्हेन अ यंगस्टर और अ 25 ईयर ओल्ड कम्स टू मी एंड आई आस्क हिम कि भाई तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, और जब वो नौजवान कहता है आई वॉन्ट टू बी फेमस, तो मुझे बड़ा दुख होता है, because that cannot be an aim, that can be a result, but it cannot be something to aim for. And that is one thing that really bothers me today for the next generation, because I find that the shortcuts that they want to take may not take them to that way. Because they can't be shortcuts. आप builders
की बात कर लो, जो बिल्डिंग है अगर उसमें वो सही ढंग का मिश्रण और सीमेंट और चूना और ईंट और पत्थर नहीं मिला हो, वो बिल्डिंग मजबूत हो ही नहीं सकती। तो लंबे रेस का घोड़ा अगर किसी को होना है किसी भी प्रोफेशन में, शायद ये लागू हो, तो देन दे कांट बी शॉर्टकट्स, देन यू हैव टू हैव द गट्स टू बी एबल टू टेक दैट लॉन्गर रूट। स्ट्रगल, कई लोग स्ट्रगल की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से मेरी जो स्ट्रगल थी वो बहुत अलग थी। आज नौजवानों की स्ट्रगल शायद अलग है। आई वॉज लकी, मैं खुशनसीब था कि मेरे सर पे छत थी, मुझे ये चिंता नहीं थी कि मेरा खाना कहाँ से आएगा और मैं सोऊंगा कहाँ। हाँ, स्ट्रगल थी काम की, कि मुझे जो काम करना है फॉर माई क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन वो मुझे ढूंढना है, वो आसान नहीं था। एंड अगेन उसका जो श्रेय है वो भी थिएटर को जाता है, बिकॉज अगर गोविंद निहलानी, अगर श्याम बेनेगल मुझे स्टेज पर नहीं देखते तो मुझे ये रोल्स, इस तरह का काम ऑफर भी नहीं करते। तो ये क्रेडिट भी मेरे थिएटर को ही जाता है, उसी लगन को जाता है। आज के तौर पे जो स्ट्रगल है उसी 20 या 25 साल युवा युवती की, वो अलग इस प्रकार है कि इस समय जो सप्लाई है वो शायद 50 गुना ज्यादा है डिमांड से। हमारे टाइम पे एक्टिंग को नीची निगाहों से देखा जाता था, अरे एक्टर बनना है, शी 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 शी, क्या है इन्हें, वो करना क्या है, उसको साइड पे करो, लेकिन एक्चुअल प्रोफेशन क्या है तुम्हारी। अब वो नहीं है, अब बड़े गर्व के साथ माँ बाप कहते हैं मेरी बेटी एक्टर है। सो दैट टैबू इज नॉट देयर, वो दीवार नहीं है, लेकिन उसका जो माइनस पॉइंट है कि द डिमांड इज सो मच दैट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट स्ट्रगल, बिकॉज इन आवर कंट्री वी डोंट हैव अ सिस्टम और अ स्ट्रक्चर फॉर द एक्टर। वेस्ट में चाहे वो यूके में और यूएसए में हो, तो जैसे यहाँ डॉक्टर के लिए यू हैव टू गो थ्रू दैट स्ट्रक्चर और दैट प्रोसीजर, यू कैन जस्ट से आई विल बिकम अ डॉक्टर, अरे बट यू कैन से दैट आई विल बिकम एन एक्टर, यू कैन डू इट लाइक दिस। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ धुकेबाजी है इसमें, ऐसा भी नहीं है। अगर आपकी कड़ी मेहनत और परिश्रम उसके साथ नहीं जुड़े हैं तो आप कोई भी हो, इट विल नॉट वर्क। यू हैव टू हैव दैट डेडिकेशन ऑन वन साइड, एंड यस बाकी अभी आपके माथे पे जो लिखा है कि कौन सी सुई कहाँ पे लग जाए, और इफ यू आर देयर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, यस इट डज मैटर, इट डज मैटर। सो इन दैट सेंस इट्स एन इंडिजीनियस अनप्रिडिक्टेबल प्रोफेशन। तो फिर योर फोरबेरेंस और डटे रहने की क्षमता भी होनी चाहिए आप में। अगर आप में वो मनोबल नहीं है तो प्लीज देन टेक अ 9-to-5 जॉब एंड बी हैप्पी एंड सिक्योर। इफ यू डोंट हैव दैट माइंडसेट टू डील विद द अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ इन दिस प्रोफेशन, देन दिस प्रोफेशन इज नॉट फॉर यू। तो इट्स नॉट विदाउट रीजन दैट मेनी पीपल से कि एक्टर को थोड़ा पागल होना पड़ता है, शायद कुछ हद तक वो ट्रू हो, आई डोंट नो, बट यू हैव टू हैव दैट मैडनेस इन यू देन टू वांट टू कंटिन्यू। आई नो अ फ्रेंड जो से आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, पता भी नहीं आपको अगले दिन आपका खाना कहाँ से आएगा, बट इज आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स, देन यू हैव टू हैव दैट मैडनेस टू कंटिन्यू एंड बिलीव इन योरसेल्फ। इफ यू हैव दैट, ग्रेट, it will work for you on a personal level. But and I always feel you also have to have the practicality. So if there are friends of mine who have a family and 2 children to support, then ye pagalpan mein kaam nahi aata bhai. Aapke paas 2 bachche hain, aapko support karna hai, you have to think for them as well. Then you can't think for yourself. So you need that balance, as I would put it. On another personal level,
I know this could be one of the questions because ये अक्सर मुझे पूछा जाता है कि what excites you to taking up a role. अगर वो चीज कुछ ज्यादा मुझे आसान लगे तो शायद मैं उसे हाथ में लगाऊं. अगर मुझे लगे कि this allows me to stretch myself, जैसे रबर बैंड होता ना, मुझे लगे कि मैं अपने आप को थोड़ा और खींच सकता हूँ चारों साइड से, then I would probably do it. अगर मुझे लगे इसमें कुछ difficult है, ये तो शायद मैं कर ना पाऊँ, तो मैं करूँगा. And therefore, I think Robert Frost's lines may, in a way, sum up what I feel for myself as an actor. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. और अगर उसे हम अपनी हिंदी फिल्मों के गानों के जरिए सोचे तो मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. I would rather I share the rest of the time with you and not restricted to 15 minutes to open this discussion, rather than कि मैं अपने हाँ के बारे में ही बकबक करता जाऊं. तो मैं चाहूंगा कि बाकी का समय मैं आपसे बातचीत करूं, इफ दैट्स ओके. या यस, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आपके लाइफ के जो हम जैसे अपकमिंग थिएटर पर्सनालिटीज के लिए बहुत ही उपयोगी पॉइंट दिए हमको. मेरा ये सवाल है कि आजकल थिएटर में जो भी आता है उसको एक्टर ही बनना है, मगर थिएटर का एक्टिंग एक पार्ट है, टेक्निकल साइड्स भी बहुत जरूरी होती है बिल्कुल के लिए, मगर उस पर कोई आजकल तवज्जो नहीं देता, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका. जो भी कोई हमारे साथ जुड़ता है तो मैं उनको पहले उसमें जुड़ा देता हूँ. ये दो चीजें करता है आपको, हर एक नजरिया जो पहलू है स्टेज का और वर्किंग एज ए टीम सिखाता है. और दूसरी बात यह है कि अपने घर में झाड़ू मारने में कोई शर्म नहीं है, और ये मैं आज ही मानता हूं. मेरी टीम इक्वली इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और उसकी अहमियत यह है कि जो बैक स्टेज करते हैं, जो टेक्निकल्स में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो आपकी लाइट ऑपरेट करता हो, आपका साउंड ऑपरेट करता हो, या पीछे आपका सामान उठाता, आप उनके बिना शो नहीं कर सकते. एक्टर उनके बिना जीरो है. इसलिए जब हम ट्रैवल करते हैं, कई इवेंट वाले कहते हैं सर आपके लिए ये एयर ट्रैवल है और आपके क्रू वो दूसरे उसमें से आएंगे, तो मैं हाथ जोड़ देता हूं, ऐसा थैंक यू. मेरे लिए वो क्रू उतना ही जरूरी है. अगर मैं बाय एयर जाऊंगा तो वो बाय एयर जाएंगे, नहीं तो आप किसी और को कहीं शो करने के लिए बाय बाय, थैंक यू. They are very important. जो आपका जुड़ा हुआ सवाल है कि how do you inculcate that feeling to do backstage? It's very difficult. But you know, काफी एक्टर हैं जिन्होंने पहले बैकस्टेज करके चीज सीखी हुई है, to understand what happens behind the scenes. Whether it is a Ranbir Kapoor or anybody else, they have all worked. Even Vicky Kaushal, he did backstage with me for one play. And then went to assist Anurag Kashyap and today. So your vision, your thinking becomes wider. You are able to understand things from so many other perspectives. But I agree that it is difficult. Nobody wants to really do production. There will be very few people. Technical side pe phir bhi aapko mil jayenge. Ladke ladkiyan who are interested in learning about lights and sound. But doing backstage or doing production, as we call sometimes, is a thankless job. And therefore, I have utmost respect for my production controller. कभी-कभी हम कहते हैं कुत्ते का काम वो करता है और तालियां हमें मिलती हैं, उसको बेचारे को गालियां मिलती हैं, because कई चीज़ अगर बिगड़ जाए या कुछ हो तो सारा इल्जाम उस पर है.
और एक्टर को तो वैसे भी ही इज इन द लाइट एंड व्हाट अबाउट दैट पर्सन बिहाइंड द सीन्स ही इज द पर्सन दैट वी शुड लर्न टू रिस्पेक्ट आई थिंक इट्स फर्स्ट अ क्वेश्चन ऑफ एटीट्यूड सर व्हेन वी लर्न टू रिस्पेक्ट दोज हु आर बिहाइंड द सीन्स उस बंदे को वो रिस्पेक्ट अगर आप दोगे ना तो उस प्रोफेशन में आप देखो और लोग जुड़ जाएंगे उस प्रोफेशन को जो बंदा बैकस्टेज काम करता है जो कुर्सियां उठाता है जो आपके टेबल की मार्किंग करता है उसे हम रिस्पेक्ट नहीं देते ये प्रॉब्लम है सो वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ यस मैम सर माय सन लीस्ट ओवरनाइट So he was totally shattered. Ki why, what? No reason, nothing. Is it still continuing? And if so, what could be done? There's nothing. There's nothing you can do about it. As I told you, one reason this is part of our profession. आप जो कह रहे हैं मेरे साथ हाथ में है मुझे schedule दिया गया है और अगले दिन मैं paper में पढ़ रहा हूँ अरे ये role तो कोई और कर रहा है किसी ने inform भी नहीं किया That happens till today. That happens till today. I think just now only last month, one of the actresses, I don't know, what is it, Tapsee Pannu, she gave a whole interview in the paper saying, I didn't even realize I was out of the film. So if it can happen with somebody who is that popular, and I think she is one of the finest performers to come out of the next generation, then it can happen with your son. They will not give you a reason. And therefore, it's very important in this case for your son to understand that this can happen again. But he must not lose heart. Sometimes what happened is when a youngster is at a very impressionable age and is just on those first few steps of understanding the profession, chhatka lag sakta hai usko. But then you have to give him that strength to carry on. So it depends how you deal with the situation. If you make him feel that rejection, then that's going to be bad. It's not rejection. That you have to be careful about. I just wanted to ask, like maybe it's a very big word, but isn't there anything like ethics? Anything like? Ethics. At Sorry. Least they, ethic. ये तो हम पर है ना? ये तो हम पर लागू है ना? At least they can specify, justify why. No, they won't. क्या करेंगे वो? Unless you are on a contract. So sometimes it is better if you are not sure about what you are getting into to have things written in a contract. That's why we have contracts. But कई बार ऐसा होता है ना भरोसे के साथ काम करते हैं कई धोखे मिलेंगे इस राह में मैम That's part of life. You learn and move on. Good evening, sir. Yes, is youngster here? वो just अभी कुछ मैंने पहले मैंने feel किया मैंने play किया था आपने feel किया Yes. बहुत अच्छी बात है ये सबको नसीब नहीं होता है ये मैजिक इफ यू हैव फेल्ट इट देन इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग यू फील योर ऑन क्लाउड 9 सो आई होप दैट यू हैव मेनी मोर मैजिकल मोमेंट्स इन योर लाइफ सर वो छोटा सा एक्सपीरियंस था शेयर करना सर ओके प्ले में सबसे ज्यादा डांट मैंने ही खाया कोई बात नहीं थप्पड़ भी मिले होंगे तुम्हें गालियां के बाद ही ताली आती है जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, धीरे-धीरे जो लोगों का नजरिया है, जैसे इग्नोर करते हैं, हाँ ये प्ले किया है, कर रहा है, इधर-उधर देखते थे, धीरे-धीरे वो लोग कॉन्सेंट्रेट होने लगे, और उनका जो स्टेटमेंट है, यार तू अच्छा कर रहा है, तो जब वो एक्ट हुआ, शो हुआ, तो जो लोगों का एक्सपीरियंस था, मतलब जो देख के जो उन्होंने बोला, दैट वाज फॉर मी, इट वाज मैजिकल मोमेंट फॉर मी आपने अपने सवाल का जवाब भी दे दिया सो दैट्स गुड बिकॉज यू आर एबल टू क्रिएट दैट मैजिक बिकॉज ऑफ योर पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देन दैट मैजिक यू पास्ड ऑन टू समबडी एल्स एंड दैट्स व्हाई दे अप्लॉडेड यू वेरी सिंपल यस सर मुझे देख के खुशी हो रही है कि कुछ दिन पहले ही कुछ माह पहले भी आप नागपुर में आए तब भी मुलाकात हुई फिर से आपसे मुलाकात हो रही और ऐसा आते रहिए अच्छा लगता है मुझे एक अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि जो हिंदी फिल्में हैं उनकी अपेक्षा जो प्रादेशिक फिल्में हैं जैसे मराठी हैं या अन्य भाषाएं वो ज़्यादा सशक्त होते जा रही है Absolutely. उसका क्या कारण
क्या कारण है? बिकॉज वो कहानियां हमारे देश के कोने कोने में घुसी पड़ी हैं और लोग उनको मिट्टी से आज निकाल के उन्हें प्रदर्शित उन्हें कर रहे हैं. पहले किसी में हिम्मत नहीं थी, आज द प्लेटफॉर्म्स आर सो मेनी विद द डिजिटल मीडिया दैट ऑल दीज स्टोरीज वेदर इट्स इन यू नो मराठी पंजाबी सडनली द रीजनल सिनेमा इज सो रिच दैट इट हैज लेफ्ट हिंदी सिनेमा फार बिहाइंड. मुझसे आप पूछे तो पिछले 10 सालों में मैंने तुम्बड़ से बेहतर कोई फिल्म नहीं देखी. फॉर मी दैट्स अ प्राउड मोमेंट टू बी एन इंडियन दैट समबडी फ्रॉम हियर हैज मेड सच अ फिल्म. एंड व्हाट अबाउट द जेंटलमैन? हार्डली एनीबडी हैज अप्लॉडेड दैट फेलो फॉर मेकिंग दैट फिल्म. शेम. गुड इवनिंग सर. यस सर, आई एम सी ए सतीश गुप्ता. यस, ह्यूज फैन ऑफ योर्स. सर, मैं उसमें ऐड करना चाह रहा था कि हमारी अपब्रिंगिंग चल रही थी जब ये आपका टेलीविजन में अब ब्योमकेश बख्शी जो ड्रामा है वो ये हो रहा था. हम बड़े हो रहे थे उसका, आपको देखते हुए बड़े हुए वो एपिसोड्स देखते हुए. सर, मैं कमिंग आ रहा हूँ, जब भी हम ऑडिट्स में जाते हैं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ प्रोफेशन में. सो हिंदुस्तान में ऐसा हो गया है सर, ऑडिट ऑडिट इन्वेस्टिगेशन डिटेक्शन डिटेक्टिव इट मुझे पता था ये सवाल आने वाला है, इसलिए मैंने ब्योमकेश के बारे में ज्यादा बात नहीं की. बट इसकी खूबी जो थी ब्योमकेश बख्शी की, उसकी कहानियाँ, उसकी जो स्क्रिप्ट्स थी, जो निर्देशक थे मिस्टर वासु चैटर्जी, उन्होंने ये जो 33 स्टोरीज थी इनका अनुवाद भी खुद किया था बांग्ला से हिंदी में. और जब मैं उनसे मिला, जब ये रोल मेरे लिए कंफर्म हुआ था, तो उन्होंने ऑल 33 स्टोरीज मेरे को दे दी, ये लो पढ़ो. सब तैयारी से आए थे, इससे सभी कुछ सवाल जवाब है तो पढ़ के नोट करो, बाद में शूटिंग के टाइम पे मुझसे कोई क्वेश्चन मत पूछना. अगर हिंदी में, बिकॉज बांग्ला से ज्यादा वाकिफ थे, उनकी हिंदी फिर भी साफ थी, इसे हिंदी में काकी के का कुछ अगर गड़बड़ है ना तो ठीक कर लेना तुम, बट डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चंस ऑन द सेट. सो आई हैड ऑल 33 स्टोरीज टू प्रिपेयर एंड वन गो लाइक अ फिल्म. एंड द शूटिंग ऑल्सो हैपेंड लाइक अ फिल्म. हम लोकेशन वाइज गए थे तो पहले हमने सब ब्योमकेश के घर के सीन्स किए, एपिसोड 1 से लेकर 20 तक मेरे ख्याल में, एंड देन द लास्ट 13 वी डिड सेपरेटली. सो आई वाज चेंजिंग कॉस्ट्यूम्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर, और मेरी स्क्रिप्ट पे सारे कॉस्ट्यूम के नोट्स थे. तो जब वो असिस्टेंट्स गलती करते थे तो मेरी स्क्रिप्ट आके देखते थे क्यों मैंने सारे नोट्स किए हुए थे. लेकिन जहाँ तक आप रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये उन कहानियों की ही खूबी थी जो कैरेक्टर क्रिएट किया था राइटर ने. वो इस तरह का था कि उसकी जो सादगी थी जो आम आदमी द्वारा पहुंचने की, और खुद ब खुद उसके कैरेक्टर में मुझे वो रूप धारण करना था. तो मेरी प्रेपरेशन सबसे पहले ये थी कि मुझे धोती पहनना सीखना था. आज मैं आंखें बंद करके धोती पहन सकता हूं ओनली बिकॉज ऑफ ब्योमकेश. बट अदरवाइज इट वॉज रियली द जो उस कैरेक्टर की जो मनोवृत्ति है, उसकी जो साइकी है, उसकी जो सोच है, उसका जो दृष्टिकोण है, वो मुझे अपने अंदरूनी तौर से क्रिएट करना था. एंड द डायरेक्टर्स ब्रीफ वाज वेरी क्लियर, प्लीज कीप इट सिंपल, ही थिंक्स अहेड ऑफ हिज टाइम. बहुत क्लियर स्पष्ट ब्रीफ थी, और यही स्पष्टता, यही सरलता, यही सादगी शायद उस ब्योमकेश का यूएसपी है. गुड इवनिंग सर. सर, हिंदी सिनेमा और रीजनल सिनेमा जो है इनमें काफ़ी कुछ बदलाव आया है, तो इस समय में एक एक्टर को एक फॉर्मल ट्रेनिंग लेने के लिए कितनी ज़रूरत है, या फिर लेनी चाहिए अभी या नहीं? आपने तो चार सवाल कर लिए. मेरे ख्याल ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप अपने अंदर पहले टटोल के देखो कि वाकई ये प्रोफेशन आपके लिए है या नहीं. ये हुनर, ये कला को आगे बढ़ाने के लिए आप में वो मनोबल और शक्ति है या नहीं. कभी कभी उस ट्रेनिंग के द्वारा
ये सवाल का जवाब आपको मिल जाता है। इस वजह से वो ट्रेनिंग जरूरी है। Yeah, I think that's the important thing really to keep in mind. You will get your own answer slowly. Yes, sir. Yes, sir. कभी अगर कोई रोल बहुत इंटेंस है जिसके लिए आपको अपना एज अ पर्सन आपको छोड़ के उसके लिए काफी प्रिपेयर करना पड़ेगा तो और एक्ट करने के पहले भी आपको एक काफी लंबा टाइम अपने आप को ढालना पड़ रहा है सिर्फ उस रोल के लिए और वो जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या तब आप एक्चुअली एक्टिंग कर रहे हैं जिसको आप छोड़ सकते हैं और उससे बाहर आ सकते हैं। एक जो बेसिक डायलेमा हमेशा रहता है मेथड वर्सेस अडेप्टेशन, उसके लिए मुझे पूरी वर्कशॉप लेनी पड़ेगी आपके साथ। मैं आई जस्ट बी ब्रीफ। डोंट फॉरगेट वर्ड क्या है, एक्ट। अगर वो एक्ट वर्ड नहीं होता तो मतलब कुछ और ही होता। एक्ट मीन्स यू हैव टू प्रिटेंड बट यू हैव टू मेक मी फील दैट यू आर नॉट प्रिटेंडिंग बट यू हैव टू एक्ट। You can't sit and murder somebody actually with a knife into his chest because you have to murder somebody. That is why the profession is called acting. तो कई actor भूल जाते हैं कि उनको acting करनी है। ये मेरे को अमरीश पुरी जी ने बताया था, बेटा तुम actor हो, stunt man नहीं हो। ये यहाँ से कूदना वूदना छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। Actor हो, अपनी body अपनी शक्ल का ख्याल रखो। मैं आज तक नहीं भूला। Yes, whoever has a mic. Yeah. Oh, there at the back. Yeah. Yes, sir. Good evening, Rajit ji. With all humility, when I say humility, the question that's coming to you is going to be a bit of a cliche or maybe a debate. I'm prepared. Right? Not a tricky one, really. I want ji. Your take on this. Yes. Kala jeevan ke liye hai ya jeevan kala ke liye hai? That is your perspective. Ye bahut mushkil sawal hai. आई थिंक ये अपने आप में ही मिला हुआ है। इट्स बोथ वेज। कला जीवन के लिए है और जीवन कला के लिए है। ये अपने आप में जो जिसको हम संगम और मिश्रण कहते हैं, यू कांट सेग्रीगेट द टू बिकॉज यू डोंट नो डिड द चिकन कम फर्स्ट और द एग। ये वो सवाल हो गया। आई डोंट हैव एन आंसर बिकॉज दे आर रिलेटेड सर। थैंक यू सो मच। यस यंग मैन। Hi Rajit sir. Hello. It was my personal experience that when I read Sir Arthur Conan Doyle's Sherlock Holmes, so after reading that I was in hangover for some time and I felt like I'm Sherlock Holmes and I used to find reasoning in everything and every book. So I would like to ask whether this has happened with you after playing Bhumkesh Bakshi. मेरे साथ ऐसे बहुत से किस्से हुए हैं Bhumkesh करने के बाद। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट किसी जर्नलिस्ट ने गलती से मेरे ऑफिस का एड्रेस न्यूज़पेपर में दे दिया था, तो द काइंड ऑफ लेटर्स आई रिसीव फ्रॉम आई डोंट नो कौन से गांव से, जो कोई बोल रहा है सर आप जल्दी आइए, मेरे मामा जी ने ना हमारे पैसे हड़प के पता नहीं कहाँ छुपा दिए हैं, ऐसी ऐसी स्ट्रेंज रिक्वेस्ट, मैरिज प्रपोजल्स, पता नहीं क्या कुछ आता था वहाँ पे पोस्ट कार्ड्स पर। एंड सम ऑफ देम very frightening. I won't say that because there are personal things that people were sharing and it really frightened me because they were actually believing that I exist as Bhumkesh. Some of the funny incidents were more in Calcutta where people used to follow me when I was walking on the road. So one day I stopped at the signal and I suddenly turned around and I said, kya baat hai, kya chahiye aapko? कह रहा है मैं देख रहा हूँ आप कौन सा केस सॉल्व करने जा रहे हैं। सो ऐसे ऐसे किस्से भी होते हैं। या डिनर पे आई ओवरहर्ड समबडी इन अ रेस्टोरेंट टेलिंग हिज वाइफ, ये साथ में Bhumkesh बैठे हैं, ये कुछ तहकीकात करने आए, यहाँ से तुम ज्यादा मत बोलना, चुप करके बैठी रहो। तो दीज थिंग्स आई हैव एक्सपीरियंस एज अ रिजल्ट ऑफ Bhumkesh। द मोस्ट आयरोनिक थिंग वॉज वेन ड्यूरिंग when I went to my own chemist down the road in Bombay, he was putting his shutter down at 8 o'clock. He saying, आपका सीरियल आने वाला है अभी आधे घंटे में, आप जल्दी कीजिए ना, बंद कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा अजीब है यार, तुम दवाइयाँ के लिए खड़े हो यहाँ पे, तुम Bhumkesh देखने के लिए खड़े हो। सो ये किस्से मेरे साथ हुए, जस्ट टू शेयर विद यू। यस माइक। हाय सर,
Yes, ma'am. First of all, a very good evening, sir. Good evening to you. I don't know whether you remember or not, but around 4 years back, I have met you during a Yuva shooting in Aravali International School, Faizabad. Oh, okay. Yes. Sir, at that time, I met you for the first time and I heard about you for the first time, actually, truly speaking. From that time, I started thinking about this thing as well, because it struck to me that, yes, this is also something that I can do. So I haven't yet started with it in a depth, but the Josh is really high. Josh is high? Yes. That's good. But, keep it high. Yes. But sir, the opportunities, they are not up to the mark yet. Yes. Like in Nagpur, I have seen some auditions going on. I have even given that. But they are not that up to the level that you can actually move in that. So, जो आपकी बात है बिल्कुल सही है माय डियर. इस बात का मुझे भी रोना आता है दैट वी डोंट हैव एकेडमिकली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस टू टीच एक्टिंग. और जो थोड़ी बहुत जगहें हैं वो पैसे बनाने के जरिए हैं. वे दे चार्ज यू थाउजेंड्स और लैक्स एंड दे टीच यू एब्सोल्युटली नथिंग और दे टीच यू व्हाट यू शुड नॉट बी डूइंग. Sometimes that is also a learning. As I told one of the students who came from one course, so जब उसने मुझे डिटेल में बताया उन्होंने क्या किया तो मैंने कहा बहुत अच्छा सबक सीखा तुमने. अब ये सारा कुछ जो तुम्हें सीखा है इसको अनलर्न करो. That is the lesson that you have learned, that you have to unlearn everything, and that also is a lesson. But I would say keep trying. You won't find something up to the mark, and if you have set yourself with a high standard, which I really appreciate, then don't give up. You'll find it. If not here, look elsewhere. Not necessarily that you have to go to Delhi, Bombay. Just recently, I sent one of my workshop students from Srinagar to Chandigarh. I said, go, apne aap ko tatolo. So in a way, you have to find a platform that will help you to stretch yourself. और अपने आप को तुम्हें जब टटोलने का मौका कहीं मिले वही सही है. When you feel you're learning something good, bad, ugly, remember, that's going to be all of it together. हाँ, तो वो कमल का फूल तुम्हें कीचड़ में ही मिलेगा. Okay, don't worry. No, nothing is yet. I don't know where the mics are going. Okay, here it is. Sorry. Sir, namaskar. सर, एक पर्सनल लेवल पे एक मुझे बात हमेशा एक खटकती रही है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि आप एक पैरेलल सिनेमा का एक पार्ट होना चाहिए. आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है. सिनेमा में नहीं, सिनेमा में ये पैरेलल रास्ता है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, मैं ये सब नहीं देखता कहाँ से जा रहा है. मेरे लिए मुझे मेरा रोल है, जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ, जिनके साथ मैं काम करने वाला हूँ. अगर मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग आई कि मुझे ये करना चाहिए तो मैं करूँ. मैं ये सब नहीं देखता. गुड इवनिंग जी. देयर आर सर्टेन गेम्स लाइक स्विमिंग एंड साइकिलिंग व्हिच आर लर्नड वेरी अर्ली इन द चाइल्डहुड. यू आर लकी, यू आर वन ऑफ द लकी वंस. नो नो, थिंग इज दैट व्हेन यू गेट ओल्ड यू डोंट, आई मीन इट्स डिफिकल्ट टू लर्न स्विमिंग और साइकिलिंग. जी, इज इट द सेम विद एक्टिंग? नो, आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक इन एनी प्रोफेशन देयर इज अ टाइम लिमिट फॉर एनीथिंग टू लर्न. If the desire to learn is there, you can learn anything, sir. आप swimming की बात कर रहे हैं. My father learned swimming at the age of 43. I used to make fun of him in the pool. That's a different point. But he still learned at 43. You know, so I don't feel that personally. If you want to do it, you can do it. Ji sir. You have done one Marathi film. I have done two Marathi films. Yeah. Could you speak Marathi and some experience about your? No, I'm not going to relate dialogues and things like that, but I think I was lucky when I did my first Marathi film that was called Limited Manuski many years ago in Pune. And I remember a lot of the actors in the Marathi fraternity in Pune were very upset with the director that they chose an actor from Bombay to do the role and did not choose somebody from Pune. So when I reached Pune, I could sense this negative atmosphere around ki ye ladke ko kahan se utha ke le aaye. But I had a wonderful experience because they were a wonderful director and his wife, and it was a crazy bizarre story. And then the second time was with Sonali Kulkarni,
but Gulmohar, which I have never yet seen the film. But us bande ne ek hafte mein kaise film complete kari, mere ko to I much to ghabrat hoti thi. Because suddenly would change the lines and I said, you know, I'm not that comfortable with Marathi. Yes, I speak Marathi on a very basic level because mere sare workers कारीगर में जो मेरे यूनिट के थे जब मैं एक्सपोर्ट करता था तो सब महाराष्ट्रन थे सो आई पिक्ड अप मराठी फ्रॉम देम एंड आई हैव अ लव फॉर लैंग्वेजेस सो इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर मी एटलीस्ट आई कैन अंडरस्टैंड गुलमोहर मैंने सोनाली को ऑलरेडी मैसेज किया कि मुझे एक कॉपी भेजे मैंने देखी नहीं अभी तक अच्छा और मूविंग ऑन उस फिल्म की अपनी एक कहानी है एंड आई टेल यू इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ ऑन सेल्यूलॉइड And I give the full credit to the director, Shyam Prasad, and the cameraman, the DOP, Alegappan. But I'll also share another secret that not many people know. That I would study till 3 o'clock in the morning trying to learn my Malayalam for the next day in the shoot. But finally, they got somebody else to dub for my voice. But that person also got an award. For the best dubbing artist because you can't tell that it's not my voice usne meri awaaz ko itni bariki se pakda tha so